हे गाइस, वेलकम टू सिनेफिल टॉक्स। और आज हम डिस्कस करने वाले मूवी आर्मी ऑफ डेड, डायरेक्टेड बाय जैक स्नाइडर, जो कि अभी नेटफ्लिक्स पे रिलीज हो चुकी है। तो पॉडकास्ट पे आज हम लोग के साथ है अभिराम, शुभम, सिड, यश, हर्षल। तो गाइस, हम लोग अभी मूवी डिस्कस करने वाले हैं, तो एंजॉय द पॉडकास्ट। तो बाय द वे, सबको मूवी कैसे लगी गाइस? अच्छी थी। एकदम ज़ैक स्नाइडर का मूवी के बारे में तो क्या बोले। हेलो, अच्छी थी। विजुअल्स ज्यादा अच्छे लगे, स्टोरी थोड़ी सी फ्लैट लगी बीच-बीच में, स्क्रीन पे थोड़ा वीक हो गया। हां, स्क्रीन पे एक्चुअली मैंने भी ये ट्रेलर के कमेंट सेक्शन में देखा ना, बहुत लोगों का ऐसा ओपिनियन था कि स्टोरी लाइन इतना वीक एक्सपेक्टेड नहीं था लोगों से। हां, ट्रेलर मतलब काफी एपिक था, तो मैं कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट किया था। ट्रेलर का हाइप भी बहुत ज्यादा बढ़ गया था, बट मेरे को अच्छी लगी स्टोरी। एग्जैक्टली, डॉन ऑफ द डेड के बाद नेक्स्ट स्टोरी स्नाइडर का यही था। बट स्टोरी वाइज अगर देखा जाए तो मेरे को अच्छी लगी, क्योंकि अगर तू स्टोरी वाइज डिटेल देखेगा तो उसमें उन्होंने, मेरे को ऐसा लगता है कि एंड में उन लोगों ने वही बताया कि ग्रीड रख के मतलब नहीं, लाइफ में सब लोग मनी के लिए गए थे ना अंदर, किसी को भी एट दी एंड मनी नसीब ही नहीं हुआ। एंड तक वो ग्रीड दिखाई, ग्रीड और लाइफ स्टोरी जो कंसेप्ट है ना, वो कुछ अलग है और वो अच्छा भी है। लाइक अगर इसका सेकंड पार्ट भी आता है तो आई थिंक वो क्रेज रहेगा लोगों को। मेरा वो क्वेश्चन था कि डॉन ऑफ द डेड का सीक्वल है कि ये फर्स्ट पार्ट है? नहीं, सुनना, इसका ओरिजिन वो एक एनिमेटेड सीरीज के साथ एक प्रीक्वल करना वाला है वो नेटफ्लिक्स पे, उस पर अभी काम चालू है बोला, और उसके बाद फिर उसके सीक्वल पे काम करना है। अच्छा, तो इसके और सीक्वल है मतलब आगे इसका? हाँ, एक सीक्वल रहेगा, क्योंकि लास्ट में वो मैक्सिको सिटी गया ना, ज़ॉम्बी को फाइट करनी पड़ती है इनमें, तो अभी मैक्सिको सिटी में क्या होने वाला है उसके बारे में सब रहना। बट अगर विकीपीडिया पेज खोला हो ना मैंने अभी, उसमें देखा है कि मूवी स्टार्ट होता है कि लोग एरिया 51 से ज़ॉम्बी लेके जा रहे थे। हाँ, तो ये प्रीक्वल में भी एरिया 51 में होने वाला, एनिमेटेड सीरीज है ना वो, एरिया 51 के अराउंड में होने वाला कि उधर क्या हुआ ऐसा कि ज़ॉम्बी बने। और ये बट स्टोरी वाइज अगर जैसे अभिराम ने बोला और सुगम ने बोला कि स्क्रीन पे थोड़ा वीक था, बट किसी ने ये मतलब किसी को लगा क्या कि ज़ॉम्बी का उन लोगों को बताना चाहिए था कि हाउ डिड इट स्टार्टेड, क्योंकि डायरेक्टली स्टार्ट हो गई थी मूवी। वो तो आई गेस वो तो ठीक है, वो तो बहुत ज्यादा क्योंकि एक बेसिक प्लॉट बता दिया था कि एक आदमी एक ज़ॉम्बी जैसा कोई एक्सपेरिमेंट को लेके जा रही है और फिर वो निकल गया उधर से। उधर उन्होंने टाइम वेस्ट करने नहीं गए आई सपोज, कि फिर से वो एक जन को बाइट करता है या फिर किसी का एक एक्सपेरिमेंट है। एग्जैक्टली, तो मैं ऐसा एक सोच रखता हूँ कि आई गेस जो कुछ डाउट थे या फिर जो कुछ थिंग जो है जो समझ में नहीं आई ये मूवी में, जो आई गेस स्नाइडर एक्सप्लेन करे उसके नेक्स्ट मूवी, जैसे लाइक कुछ ज़ॉम्बीज के आईज ग्लो कर रहे थे ब्लू लाइट में। उसका क्या मालूम है क्या, वो रोबोट ज़ॉम्बीज है और उसने उसपे बोला है कि ये क्या है, वो बाद में बताएगा कि ये गवर्नमेंट ने मॉनिटर करने के लिए रखा है उधर डाले, या फिर कोई एलियन टेक्नोलॉजी, क्योंकि एरिया 51 भी है ना, तो उससे भी रिलेटेड हो सकता है ऐसा। मुझे एक चीज मेरे को नहीं समझी कि बिकॉज देख ऑब्वियसली हाइप तो था ज़ॉम्बी का, बट स्टिल अगर जैसे कि ट्रेन टू बुसान में बताया कि केमिकल बायोगैस रिएक्शन से वो ज़ॉम्बी होते, तो लोग को डायरेक्ट मूवी स्टार्ट हो गई थी ना। मेरे को लगता है फिर वो क्योंकि प्रीक्वल सीरीज वो करने वाले ना, उन्होंने पहले डिसाइड किया था, शायद उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया उस पर, कि उनको लगा कि बाद में एनिमेटेड सीरीज में बता ही देंगे। कुछ चीजें तो वो क्लियर करेंगे ही, लाइक जो बेबी ज़ॉम्बी दिख रहा था आई गेस वो पावरफुल था। एग्जैक्टली, जो सीन वो था, या फिर कुछ ज़ॉम्बीज ग्लो कर रहे थे, कुछ ज़ॉम्बीज को पंच के बाद जैसे उनका फ्लैश निकल रहा था, तो नहीं ज़ॉम्बीज के ऊपर तो आएंगे अपन, बट बेसिक मूवी के स्टार्ट में अगर देखा जाए, स्टार्टिंग के इंट्रो में उन्होंने दिखा दिया था कि बैटिस्टा और इनकी गैंग ऑलरेडी जाके रेस्क्यू करके पहले आ चुके हैं ना। एग्जैक्टली, वो लोग पहले वो ऑपरेशन कैरी कर चुके हैं। ओके, तो मेरे को ये पूछना था कि ज़ैक स्नाइडर के ज़ॉम्बीज कैसे लगे सबको? इनका तो क्रिएटिव विजन ही अलग है। वो मोनोलॉग किसको याद है क्या जो बोलती है? मुझे पूरा याद नहीं कि दे आर ऑर्गेनाइज, दे आर कुछ तो बोलती है ना वो, दे आर ऑर्गेनाइज, दे आर फास्ट. हां लाइक कुछ लोगों को तो, कुछ ज़ॉम्बीज को तो डॉज तो ऐसे कर रहे थे जैसे कोई ह्यूमन भी ना करता है, लाइक बुलेट डॉज कर रहे थे, पंच डॉज कर रहे थे. बट फ्रॉम अ सिनेमा पॉइंट ऑफ व्यू तुम लोग को अच्छा लगा क्या ज़ॉम्बीज को इतना इंटेलिजेंट देख के? कुछ न्यू देखने मिला लाइक उसमें कुछ एक बाय वन बाय वन जो थे वो मतलब कुछ ज़ॉम्बीज थे उसमें वही थे वो सोचने वाले थे, और कुछ ज़ॉम्बीज वो अल्फा थे, वो जो बोली ना कि इसको हम लोग उसके हवाले करेंगे कि वो बोले कि ज़ॉम्बीज इतना सोचतेगा अभी वो बोले कुछ ही सोचना. अरे बट मुझे वही शिकायत है, मेरे को वही कंप्लेंट है कि देख एक अल्फा है उसने काटा, अल्फा लोग की सेना है, बट अल्फा लोग की सेना ने भी तो बाकी ह्यूमंस को काटे, तो उन लोग क्यों नहीं अल्फा बने? जो ओजी है वही काटा कोई है. हाँ जो वो मिक्स हो जाते हैं ना वो मिक्स. और जैक स्नाइडर ने वो भी नहीं बताया रे कि अल्फा कहाँ से क्रिएट हुआ, तो वो सीक्वल में आएगा ना, अभी नहीं मालूम पड़ेगा, सीक्वल में आएगा वो. एग्जैक्टली. लाइक मुझे तो ये भी एक डाउट था कि जो अल्फा जो मूवी में दिखा है, जो एनिमे जो है, वो सेम ज़ॉम्बी है जो फर्स्ट पैराग्राफ में था, या फिर वो कोई और था और ये कोई अलग है, ये भी एक है. बट मेरे को वाला एंगल नहीं समझा था कि लाइक अल्फा वाला ज़ॉम्बीज का, लाइक मैं वही सबको पूछ रहा हूँ कि जैक स्नाइडर के ज़ॉम्बीज कैसे थे, लाइक जो लोग डॉच कर रहे, फाइट कर रहे, वो तो अच्छा है. वो ज़ॉम्बीज का तो बेसिक कॉन्सेप्ट ही वही है ना कि दे आर ऑलरेडी डेड, दे डोंट थिंक, दे डोंट एक्ट, दे उनको ब्रेन खाना है, तो आई गेस लाइक वो होंगे. हाँ लाइक होंगे. और जो फर्स्ट ज़ॉम्बी था जो बोल सकते हैं फर्स्ट, जो फर्स्ट ज़ॉम्बी था जो वो एक्सीडेंट में दिखा है, तो मे भी वो लोग आगे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अच्छा, मुझे एक चीज पूछना है, वो जो फर्स्ट ज़ॉम्बी था उधर से एपोकलिप्स चालू हुआ ना ज़ॉम्बीज का, वो तीन आते, तीन कैसीनो में जाते, वहाँ से स्टोरी लाइन चालू होती, बट वो जो ओरिजिन था क्या वो अल्फा था क्या? वही तो मैं बोला ना, वही तो मुझे भी डाउट था कि वही अल्फा वही है तो वही होगा. हाँ तो वही हल होगा. अरे बट वो अल्फा के बाल लंबे नहीं थे, और एक बार उसको वो टाइम बहुत हो गया था, बट हो गया ना पूरा अपॉक्लिप्स हो गया, फिर गवर्नमेंट डिक्लेयर हुआ, बट ब्रो तो डेड है ना, तो बाल कैसे ग्रो होएंगे तेरे? अरे तो स्मार्ट है तो बाल से बढ़ेगा. हाँ एग्जैक्टली. अगर तू हाँ बोलो तू सोच, अगर वो इवॉल्व हो रहे हैं, अगर उनको पता चल रहा है कि उनका जो ब्रेन वाला पार्ट है वो कितना इम्पोर्टेंट है, कि वो अल्फा हेलमेट पहनता है, तो उनको इतना तो होगा उसमें वो इवॉल्व हो गए. एग्जैक्टली मैं वही बोल रहा हूँ कि ये जो मतलब ये जो ज़ॉम्बी है, समझो अल्फा ज़ॉम्बी है, वो बाकी ज़ॉम्बी से क्यों अलग है, वो आई गेस हम लोग को नेक्स्ट मूवी में देखने में पता चलेगा. लाइक दे विल रिवील इट. बट वन थिंग हो रहा है, बट एक चीज मेरे को अच्छा लगा कि जैक स्नाइडर ने क्लीशे तोड़ा, क्योंकि 10 साल से वही टाइप के ज़ॉम्बी बन रहे थे ना, स्लो चलते हैं, दम दिमाग नहीं है और काटते हैं. पहले भी आए थे वर्ल्ड वॉर Z और एक और दूसरा क्या बोला विल स्मिथ का मूवी एक आया था, ऐसे ज़ॉम्बीज थे, आई एम लेजेंड. और एक और है 2005 या 3 में था शायद, उसमें ये अपना पीकी ब्लाइंडर्स का जो मेन एक्टर है ना वो है, उसमें भी ज़ॉम्बी पार्ट थे एकदम. अरे नहीं मतलब ज़ॉम्बी इन द सेंस पहले क्लीशे ज़ॉम्बी थे ना कि इन लोग ब्रेन खाते, इन लोग स्लो वॉक कर दिए, बट जैक स्नाइडर ने क्लीशे तोड़ा है कि दे आर स्मार्ट, दे आर ऑर्गेनाइज, उन लोग डॉज करते, उन लोग सोचते, दे आर प्रोड्यूसिंग बेबीज वगैरह सब था, वो अच्छा लगा, वो क्लीशे तोड़ा उसने. बेबी का आवाज नहीं आ रहा था. बेबी वाला सीन बहुत टेरिफिक था. देख 28 डेज लेटर करके मूवी, उसमें भी वो आई गेस वो फर्स्ट मूवी थी इसमें ज़ॉम्बीज 2002 में आई थी. हां बट लाइक वो ज़ॉम्बीज फास्ट है, वो ज़ॉम्बीज थिंक नहीं करते. ट्रेन टू बुसान देखा किसी ने? एक सीन ऐसा है जिसमें वो लोग हाइबरनेट हो रहे हैं, वो कुछ अलग है. लाइक ज़ॉम्बीज खड़े-खड़े हाइबरनेट. वही तो ब्रो, जैक स्नाइडर ने बहुत चीजें इनकम्प्लीट छोड़ा है कि हाइबरनेटिंग कहाँ से कर रहे ज़ॉम्बीज लोग. वो सब शायद प्रीक्वल में बताया, मतलब इसमें बताया. वो था। और ट्रेन टू बुसान में कैसे है, ट्रेन टू बुसान में जो जॉम्बीज थे, वंस डार्कनेस आता है ना, अंधेरा, तो दे कांट मूव, उन लोग को कुछ दिखाई नहीं देता, तो उन लोग सिर्फ सुन सकते। और ट्रेन टू बुसान में दिखाया था कि वो जॉम्बीज इसलिए अटैक करते क्योंकि उनको कोई ह्यूमन दिखता है सामने। अगर उनको कांच के सामने पेपर लगा देंगे ना दरवाजे के सामने, तो दे विल नॉट अटैक, वो लोग चले जाएंगे वहां से। बट इतने जॉम्बीज अलग अलग है ना, इसलिए तो ये वाला जैक स्नाइडर के जॉम्बीज थोड़े अलग थे। लाइक इसमें भी हमें देखने मिला कि लाइक जब वो फेस क्रैक करते रहते हैं, तो वो बूबी ट्रैप्स के अलग अलग जॉम्बीज लेके आते हैं, तभी भी वो बोलता है कि ये मेरे को एकदम अजीब लगा, वो कहाँ से जाके कहाँ से लेके आ रहे हैं उन लोग को, एक एक करके जाता है लिफ्ट में, टीडिंग करके जा रहे हैं, वापिस से आ रहे हैं, वापिस जा रहे हैं। बट अपार्ट फ्रॉम जॉम्बीज, हाँ वो तो ऑब्वियसली जैक स्नाइडर। बट मुझे पूछना है कि अपार्ट फ्रॉम जॉम्बीज फेवरेट कैरेक्टर्स कौन था? लाइक बटिस्टा और उसकी बेटी और बाकी कैरेक्टर्स में सबसे फेवरेट कैरेक्टर? उसकी बेटी तो बिल्कुल नहीं, उसकी बेटी तो बिल्कुल नहीं, उसकी जान जला था मेरे पे, मेरे को पसंद नहीं आया, उसकी वजह से पूरा सीन चालू हुआ। बट अभी आपको कौन सा कैरेक्टर अच्छा लगा जो ह्यूमंस में? वो सबसे अच्छा कैरेक्टर कौन सा अच्छा लगा? हुमा को ऋषि मत बोलना। जो लास्ट में बनता है ना, अच्छा कैरेक्टर था वो, उसका मोस्टली उसका ही काम है वो। और मुझे जो फेस क्रैप करने वाला गाय है वो मुझे एक अच्छा लगा, उसका जो उसको तो फनी के लिए रखे थे, लिली है ना, लिली। अरे वो बेचारी सैक्रिफाइस, जो पहले सबसे पहले वही मरती है ना? नहीं, ली तो वो कायोटी बोलते हैं उसको, जो अंदर लेके जाता है ना, वो जो पहले थे, वो इतने जल्दी नहीं मरना चाहिए थे। अरे हाँ यार, वो इतना फाइट करी ना उसने, इतना फाइट की ना लास्ट तक। हर्षल, तेरा फेवरेट कैरेक्टर कौन था ह्यूमंस में? यश, हाँ मैं बोला ना, वैंडर होकर के था जो लास्ट में बचा था, वही जॉम्बी निकला, वो भी बन जाता है। अरे हाँ वो अपना शुभम, मैं तो वो गाय जो फेस क्रैक करने के लिए आया था, सीड, मुझे वही वो जो लास्ट में बचा ना, वो एक अच्छा। और लिली भी थोड़ी अच्छी लगी क्योंकि उसका भी थोड़ा मतलब बता है कि ऐसे कुछ भी नहीं कर। हेलीकॉप्टर वाली की बात कर रहे तुम लोग? नहीं, जो एंड में लाती है ना लिली, अरे लिली मेरे को याद नहीं आ रहा है, एक सेकेंड। अरे वो व्हाइट बाल वाली को, अरे अच्छा जो कोयाटो बोलते, जिस जो अंदर हमेशा लेके जाती लोगों को, वो ना कायोटो नाम था उसका, मतलब उसको बोलते कायोटो। मूवी में जो मेरे को सबसे बेस्ट मोमेंट बोलो क्या लगता है, जब वो बोलता है ना उसको कि लाइक आई फोल्ड यू ट्वाइस, एंड देन फिर जब वो जाता है उसके बैग में से सिर्फ प्रिंटिंग मशीन निकलता है, हेड नहीं निकलता है, वो एड़ा मस्त एड़ा बनाई उसको। मेरा सबसे बेस्ट मोमेंट जब मुझे लगा अनएक्सपेक्टेड, वो हेड स्नैप था, वो लेकिन वो हेड स्नैप, वो लिफ्ट से आते हैं ज़ॉम्बीज़ और उसका पूरा घुमा देते हैं। अरे बाप रे, वो लाइक लिटरली एक्सपेक्टेड ही नहीं था। वो डेथ डिजर्व नहीं करती थी रे, वो डेथ डिजर्व नहीं करती थी वाले। एक जगह उसने अपना ये किया। अच्छा बेस्ट मोमेंट क्या है सबका, वन बाय वन बेस्ट मोमेंट? शुभम, बेस्ट मोमेंट क्या है? मैंने तो अभी जस्ट बोला, जो वो स्टीयर पिक के मारता है उसको, और लेफ्ट साइड में वो उसका हेड हैंगिंग रखती है। देखो सबसे बेस्ट मोमेंट बोलूं कब लगा था, मतलब बहुत सारे बेस्ट मोमेंट है, बट जो सबसे फर्स्ट मोमेंट है ना, जब वो लोग जस्ट बॉर्डर क्रॉस करके अंदर आते हैं और फट से उसको भोग चढ़ा देती है कि एक को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा जस्ट टू गेट दैट ट्रस्ट। मैंने ना एक सेकंड, क्या सीन चल रहा है इन लोग का, ट्रस्ट गेन कर रहे ज़ॉम्बीज का, बस लगा था। वो आती है, अरे पापा उसका तो गर्दन वर्दन काट के, मेरे को वो ये समझ में आता है हर ज़ॉम्बी फिल्म में ऐसा क्यों होता है कि एक रहता है जो फकअप कर देता है और उसके वजह से फिर और इश्यूज बढ़ जाते हैं फिर, क्योंकि अगर देखा जाए तो इसको आना भी नहीं था, इसको पता ही नहीं था क्या चल रहा है, इसने लेके गए नहीं, क्योंकि मेरे को वही नहीं समझा ना, अगर वो गर्दन ने काटा, जब वो साथ में बोलती है कि वी नीड वन मोर पर्सन, तो वो देव बाटिस्टा बोलता भी है कि जरूरत ही नहीं है, बट स्टिल उसको पता रहता है कि इसको, वो तो था। इसलिए मुझे वही मुझे वही था कि अगर उन लोग का तो मेन मिशन क्या था कि उन लोग जाएंगे वॉल्ट में से पैसा निकाल के लाएंगे ना, उन लोग वो भोग चढ़ा देते उसको, इन लोग जाते हाइस्ट के लिए। बट अगर ये गर्दन ने काटता जबरदस्ती तो इतना मामला बढ़ता ही नहीं, उन लोग चुपचाप जाके पैसा लेके आते थे। ज़ॉम्बी लोग बीच में नहीं आते, सिर्फ पिक्चर ही नहीं बनती ना। अगर गर्दन नहीं काटता ना वैसे भी वो दोनों मरते थे। हाँ अब नहीं, और इसमें मतलब कैसा है कि उन लोग को पहले मतलब जाने से पहले अंदर सुसाइड बॉम्ब दिया जाता है, मतलब उन लोग को पता है कि कुछ हुआ तो सुसाइड तो होना ही है। बट उन लोग का ये नहीं पता कि मतलब इतना इजी नहीं था कि जाके सिर्फ पैसा लेके आएंगे। किसी ने ये एक्सपेक्ट किया था क्या? किसी ने एक्सपेक्ट किया था कि कोई तो बच के आएगा? भारतीय कोई भी नहीं आया बच के। मैंने तो वही था कि वो जब लास्ट करता है ना जब ऊपर जब पैसा सब बैग उसके पास ही रहता पैसे का, बुरा लगा था। एक तो आइडिया हमें रहता ही है कि अगर 8 जन अंदर जा रहे हैं तो उसमें से 4-5 तो वापस आने ही नहीं वाले। बट वो तो पहली बार कोई भी नहीं आया। हाँ वो तो है, एक जैक स्नाइडर का मिस्टेक है, एक जैक स्नाइडर का मिस्टेक है। देखना जब भी ज़ॉम्बी बाइट करते कितने लोग जगह पे टर्न होते, ठीक है। बैटिस्टा भी बाइट के 10 मिनट बाद टर्न हो गया था। एग्जैक्टली नहीं भी फिर वो, और एक तो ऐसा है कि उस पे जो फॉल आउट रेडिएशन फॉल आउट था उसका तो कुछ असर ही नहीं हुआ, तो मे भी ऐसा हो सकता है कि वो अंदर अब रिकॉर्ड में दिखा सकते कि मे भी टाइम की रेडिएशन कम हो गया। बस मुझे तो ऐसा लगता नहीं, और इतना पर गैप नहीं रहेगा। मेरे को ना एक वो जो शुभम ने बोला वो पूरा का फेस ट्विस्ट कर देते ना, वो नेक ट्विस्ट कर देते, वो एक अच्छा लगा। और एक वो वाला कि जब वो मतलब वो देखना उसका सिर्फ हेड ना उसका जो ज़ॉम्बी रहता है उससे बात कर रहा रहता है जब ये बोलती ना मैं इसको यूज करूँ, तो मैं बोला भाई इसकी मुद्दे करके फिर भी उससे कम्युनिकेट कर रहे सही है। और फिर उसने वो फेंक के मार दिया, लेकिन वो बेसिक पे है इतना टाइम पास क्या हो की और लड़की। बट तुम लोग को अच्छा लगा क्या? तुम लोग को एक चीज अच्छा लगा कि एक भी कैरेक्टर उन्होंने सर्वाइव नहीं किया, क्योंकि देख मेहनत सब लोग ने किया था, सब लोग ने रिस्क लिया था, सर्वाइवल किया ना। क्योंकि अभी ट्रेन टू बुसान में भी सब मतलब ये करते ही सर्वाइव ना, प्रेगनेंट लड़की। उनको तो पहले से पता था, उनका आधा फिक्स था कि भाई मर तो जाएंगे या फिर अमीर होंगे, वो लोग रेडी थे। और उनके पास तो ठीक है हाँ, और कुछ उनके पास एक ही ऐसा ये नहीं था, उनके पास एक तो वो ज़ॉम्बीज़ तो थे, प्लस उनके ऊपर न्यूक तो होने ही वाला था जो तो 1-2 घंटे पहले प्रीपॉन कर लेते हैं। अरे हाँ मैं अपना पॉइंट बोल गया, उसमें कट हो गया था। मैं वही बोल गया था कि जैक स्नाइडर का एक चीज नहीं समझा कि व्हेन ज़ॉम्बीज़ बाइट करते हैं, ठीक है, कुछ लोग 5 मिनट में कन्वर्ट होते और बटिस्टा क्रैश होने के बाद कन्वर्ट हुआ, इतना सब कुछ हुआ। वो लास्ट वाला बंदा, बट लास्ट वाला जो बंदा उसको तो कितने पहले काट के उसने फेंका था, उसने उसको वॉल में ढकेल दिया था, बंद किया, लोग एग्जिट कर लिए, न्यूक्लियर हो गया, सब हो गया। वो निकल के मैक्सिको के प्लेन में उड़ गया, तब जाके उसको असर हो रहा है बाइट का, जबकि अल्फा ने काटा था उसको। दिखा था अल्फा ने काटा, एक नॉर्मली ज़ॉम्बी ने काटा। तो भी उसको 20-25 अभी आधा कितना टाइम लग गया उसको वो प्लान। तो वही कह रहा हूँ कि वो शायद प्लॉट होल रहेगा, क्योंकि मूवी में काफी प्लॉट होल भी रह सकता है। और एक चांस हो सकता है कि अगर जब गले पे काटता है तो जल्दी हो रहा था स्टार्टिंग में, जब वो मिलिट्री वाले को ट्रेन के क्लोज है ना तो जल्दी करता है। वो भी नाइस कॉन्टिन्यूएशन। आपको दिखा नहीं था कि देख लो क्या है, वही तो बोल रहा हूँ प्लॉट होल था वो। अगर किसी ने किसी इतना डीप कट दिया है तो हम लोग फिर भी देखते ही है कि अरे किधर ब्लीडिंग हो रहा है, नहीं हो रहा है, कुछ इन्फेक्शन हो रहा है, नहीं हो रहा। पूरे 32 के 32 दांत उसके दिख रहे हैं। अरे बट अरे बाइट कर लिया शुभम, वो तो समझा मैं, बट ब्रो वो प्लेन तक बैठ गया, वो फ्लाई कर ले तो भी अभी तक उसको समझ में नहीं आ रहा, फिर वॉशरूम में जाकर वो क्लाइमेक्स में शायद फिर वो एक स्टोरी टेलिंग के लिए कि एंड में फिर अपनी शॉप रहेगा ना ऑडियंस की। बट अगर वॉल्ट में रह के अगर सब सेफ होते तो कितना अच्छा रहता ना, सब वॉल्ट में पैसा लेके चले जाते थे, अंदर बंद कर देते थे, न्यूक्लियर बॉम्ब होता था तो पैसा लेके निकल देते। मुझे तो और एक डाउट है लाइक इतना गूगल ड्राफ्ट वगैरह इनको चेक करने से अच्छा अगर जो रास्ते से वो ऊपर आया वही रास्ते से अगर वो नीचे चले जाते वो उल्टा बोल रहे हैं, ना जो रस्ते से आए वो इसे जाए, बट वो जा चुका है ना बाहर जमीन के ऊपर एंड में, उनको थोड़ी ना पहले रास्ता पता था कि यहाँ से एंटर कर सकते हैं। अगर ब्रो अगर तेरे पास इतने सारे पूरे बिल्डिंग मैप जनरेटर किधर है, पावर स्विच किधर है, तो एक वेंट तो दिखेगा ही ना तुझे। वो नहीं, वो वेंट नहीं था। तो लास्ट सीन ध्यान से, तो एक बिल्डिंग टूट चुकी है पूरी न्यूक्लियर से। बिल्डिंग से निकला है, वो बिल्डिंग टूटी हुई है, सीधा वॉल से निकला, बाहर। वेंट का गेट वगैरह खोल के उधर से निकला। हाँ, तिजोरी उल्टी हो गई थी। नहीं, तिजोरी उल्टी हो गई थी। अरे ये तिजोरी के अंडरग्राउंड में तिजोरी थी, तो ऊपर का जितना बिल्डिंग स्ट्रक्चर था टूट गया था ना न्यूक्लियर वालों का। सर मेरे को वो थोड़ा लगा कि न्यूक्लियर नहीं, अंडरग्राउंड है ना ब्रो। बात जब वैसे देखा जाए तो बहुत रीजन है, लाइक तेरे पे पूरा न्यूक गिरा है वो सिटी में, और रेडिएशन तो साल भर जाता है। मेरे को और एक चीज नहीं समझ में आ रहा है, जब मूवी के स्टार्टिंग में अगर तूने देखा रहेगा जेट हवा में उड़ के बॉम्ब गिरा है सिटी में पूरा, तो भी इतने ज़ॉम्बीज कैसे बचे? वो तो ज्यादा नहीं थे ना, टीम में बस उसने दिखाया कि दो जेट जाते जाते। वो तो इसके बाद बहुत कुछ हुआ है, वो लोग ने अपना अलायंस सेट किया, टीम ऑर्गेनाइज हुए, तब तक तो बहुत इवॉल्व हो रहे हैं। बट अगर अभी तो सब लोग ने मूवी देख लिया, बट अगर सच्ची में अगर सर्वाइव करना रहता तो तुम लोग क्या लगता है कौन सा कैरेक्टर को डिजर्विंग था कि उसको सर्वाइविंग मिलना चाहिए था? लाइक फॉर मी सेफ वाला गाय को तो मिलना चाहिए था सर्वाइवल, जो सेफ खोल है, बिकॉज कैरेक्टर आज कंप्लीट हुआ ना। वो फट्टू था बट उसने सैक्रिफाइस किया, उसने लॉक भी खोला, वो सब तो आई गेस वो सर्वाइव करता भी नहीं कि पता नहीं, लाइक वो सेफ तो क्रैक कर लेता बट आगे उसका क्या होता। बट सब लोग को लगा रहेगा ना कि डेव बटिस्टा तो निकलेगा ही बाहर। मुझे लगा था यही निकलेगा हीरो है तो। हाँ, मुझे लगा एक दो जन उससे निकल जाए, बट कुछ उसकी बेटी निकलती है बाहर। मेरे को एक टाइम पे लगा था मूवी के स्टार्ट में कि सब लोग मनी के लिए गए, तो मेरे को लगा था इन लोग का आपस में अंदर झगड़ा रहेगा पैसे के लिए, और इन लोग ही आपस में वो तो मोमेंट पे दिख रहा ही था किसी का। तो मेरे को एक लगा कि एंड में उमापुरी की जिंदा रहनी चाहिए क्योंकि उसके लिए इतना झंझट है। वो भी प्लॉट होल है, जब एड में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, पायलट का क्लोजअप शॉट था, उसको दिखाया तक नहीं, तो किधर गई वो बॉडी? तो दिखाना चाहिए था ना। ये चल के गई तो वो उसके साथ नहीं थी, तो इसका मतलब वो मर तो गई है, इतना गारंटी वो मर ही गई है, नो डाउट। मेरे को गुस्सा कब आया था कि इन लोग सब पैसे के लिए जा रहे थे, प्लान रेडी था, ये बेटी बीच में अचानक से आ गई कि मैं भी आ रही हूँ क्योंकि मेरे को सेव करना है। जबकि बटिस्टा ने लॉजिक पॉइंट बोला था, वी डोंट इवन नो कि शी इज अलाइव और नॉट, बट तो भी जबरदस्ती आ रही है वो। बट वो भी थोड़ा अजीब लगा कि ज़ॉम्बी जैसे रख रहे इंसान, इंसान भी इतना नहीं सोचता है कि गद्दारी कर देते, तो ये लोग तो क्या तो पीछे आगे देखते नहीं, इंसान दिख जाते हैं। इंसान लाइक उसको जाके ऑलमोस्ट 2 दिन तो हुए रहेंगे, वो 1 दिन वो गई बस, सेकेंड दिन मॉर्निंग वो रिटर्न नहीं आई, इसलिए लोग ने हाइट प्लान करने के लिए 1 दिन रखा। तो काम बिजी थे कि काम भूल गए उसको, वही तो मैं वही बोल। चीजें तो बहुत सारी छूट गई है, बट मैं वही बोल रहा हूँ कि ओवरऑल प्लॉट वाइज मेरे को इतना बुरा लगा कि इन लोग ने पैसे भी निकाल लिए थे बट कुछ भी नहीं। और मेरे को अच्छा लगा था कि मेरे को नहीं पता कि जैक स्नाइडर ने ये पॉइंट से बनाया कि ग्रीड इज नॉट गुड, लाइफ का वैल्यू ज्यादा है, मेरे को ये नहीं पता, पर मेरे को वो देखने में आया कि शायद से मुझे एक लगता है कि अगर कैरेक्टर्स को थोड़ा और अच्छे से डेवलप करते ना तो वो बढ़ने का बुरा भी लगता। फीलिंग्स अटैच नहीं थी, कोई भी कैरेक्टर फीलिंग्स अटैच नहीं थी, ये तो है। इसके लिए मेरे को लगता है अगर सीरीज बनता तो शायद ज्यादा अच्छा होता, क्योंकि स्टोरी था तो कैरेक्टर डेवलप होता अगर सीरीज होती। ट्रेन टू बुसान में जो फर्स्ट वाला था ना, जब भी मतलब ज़ॉम्बीज बढ़े वो भी दिखा देते हैं थोड़ा डिटेल में, अच्छा होता। और वो तो जैक स्नाइडर का स्टाइल रहता है, इंट्रो वो तो जैक स्नाइडर का स्टाइल रहता है। बट मैं वो बोलने वाला था कि अभी ट्रेन टू बुसान में कैसे फादर डॉटर के रिलेशनशिप मालूम पड़ा सबको कि वो रूड है, सेल्फिश है, बट उसका कैरेक्टर आर्क कंप्लीट हुआ। प्रेग्नेंट वुमन थी, उसका हस्बैंड था, बुड्ढी थी, तो सबको अपना इमोशनल अटैचमेंट हो गया था फिल्म में। ये कैरेक्टर में किसके आदमी अटैचमेंट नहीं हो रहा था कि डेव बटिस्टा के लिए भी किसको पड़ी नहीं है, फैला हुआ था ऐसा है। उसमें कैसे एक ही ट्रेन में स्टार्ट ट्रेन में सब कनेक्टेड चल रहे आगे 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 आगे, इसमें एक उधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, फैल रहे पूरा। इसका अलग ही चल रहा है, तो ऐसा भी नहीं कि वो आपस में कोई उनका रिलेशन है। और जिसका देव बटिस्टा और जिसका वो रिलेशन इस्टैब्लिश हो रहा था उसके लिए उसको लिफ्ट खोल के हेड स्लैप कर देते हैं। पर मेरे को ऐसा लगता है ना जितना ट्रेलर में दिखा ना जॉम्बिस का उतना ही मूवी में दिखा, क्योंकि उसके अलावा कोई शॉर्ट्स नहीं दिखे। हॉर्स वाला मेरे को एक ही था, टाइगर वाला भी वही था जितना ट्रेलर में था। पूरी मूवी में ज़ॉम्बीज़ लोग का है ना बोलते ना हंटिंग इतना ज्यादा दिखा ही नहीं, क्लाइमेक्स में सिर्फ गन फाइट दिखा है। अब फिर भी तो वही है, तो यही चीज बाकी ज़ॉम्बी मूवीज से अलग रखती है। एक नया कंसेप्ट है। मेरे को दो चीज अच्छी लगी वर्ल्ड वॉर जेड पे तो सेपरेट पॉडकास्ट है, मतलब बेस्ट मूवी वो तो। बट मैं वही बोल रहा हूँ कि इसके दो चीज अच्छा था इसमें बोला आशा मतलब इंट्रो में दिखा जितने बढ़ गए तादाद में इतना नहीं, बिल्डिंग खाली है एकदम बहुत सारे सामने। और मैंने तो एक दो तीनों से इमेजिन कर लिए थे कि मे भी एक मास्टर ज़ॉम्बी भागते हुए वगैरह दिखेंगे ऐसा। नोटिस किया था जो वैंडरवांग करके रहता है जो लास्ट में बचता है और जो सेफ कीपर है, मतलब जो सेफ खोलता है वो पहली बार एंट्री करते हैं सेफ के पास, तो वहाँ पे नीचे लोग जो पड़े रहते हैं तो बोलते ना कि ये इंटरनेट लूप भी हो सकता है कि इसको रिपीट वहाँ पे अपने डेड बॉडीज भी तो दिखाते हैं ना। हाँ वो कॉन्वर्जेशन उनका वो है ना, और उसके गले में भी रहता है। और फिर वो जो मरती है जो डेव बटिस्टा के साथ प्यार करती है वो उसके गले में भी रहता है। वो समझा मैं चाहता है कि अलग रियाज में, क्योंकि जब वो ये ना जो अनलॉक करता है पूरा ये लॉकर उसने स्टार्टिंग में बोला था इट इज अ गेट टू अनदर ये समथिंग कुछ तो आई गेस बोला था। हाँ तो आई गेस ये एरिया 51 से भी थोड़ा कनेक्शन है। एलियन उधर एलियन बोल रहा है, ज़ॉम्बी उधर से है, वो वही बोल रहा है कि सीक्वल में वो क्लियर कर देगा या फिर क्या मूवी कौन से डायरेक्शन में जाएगी आगे उतना हम लोग उतना परफेक्टली प्रेडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत कुछ चीजें है जो एक्सप्लेन नहीं की हुई है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि ये मूवी से वैसा सब प्लॉट एक बनाने की देखी है, ऐसा ऐसा सिचुएशन है तुम देखो अभी आगे क्या होता है। कौन सी चीज अच्छी नहीं लगी? बिकॉज हम सबने ज़ॉम्बी मूवीज बहुत देखा है, तो वन बाय वन बताओ कि कौन सी चीज अच्छी लगी। स्टार्ट विद कल टू स्टार्ट कर कौन सी चीज अच्छी नहीं लगी? किस और मेरा सवाल 3-4 चीजें मतलब बोला। हाँ तो उर्क रूप सोचने दे तो प्लीज किसी और मैं स्टार्ट करता हूँ। मुझे तो थोड़ा बोला था। हाँ तो मैं बोला था कि मुझे जो एक टिपिकल चीज जो हम लोग को ज़ॉम्बी मूवीज में दिखती है जो टाइम वेस्ट रहता है जो वो लोग करते हैं वो मुझे इस मूवी में भी दिखा। कौन सा है कितना मतलब कितना टाइम वेस्ट हो रहा है। अगर तुम्हें पता है कि तुमने एक ज़ॉम्बीज वाले सिचुएशन में हो, लास्ट सीन जो है जिधर वो हेलीकॉप्टर लेके आती है तो डेव बटिस्टा और वो हेलीकॉप्टर जो चला रहे थे वो शेयर कर रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं एक दूसरे को, जबकि हाँ यार वो ड्रामा है ना, बट सिनेमा है ना, सिनेमा है देखो ड्रामा क्रिएट करना पड़ेगा। अगर वो सीधा भागते हुए अगर कोई नॉर्मल रहता तो कोई सोचता भी नहीं कि अरे तेरे को हेलीकॉप्टर देखा तू चढ़ जाता कि मेरे क्या पीछे खिंच रहा है, कुछ नहीं। वो लोग रुके हैं, वो उसको चढ़ा रहा है, वो स्माइल शेयर कर रहा है, ये वो सब तक लास्ट में जब भी आए ना जब भी ली मारती है कभी दरवाजा बंद करके ना वो अंदर आने में थोड़ा टाइम लगता है। कुछ तो प्रिकॉशंस ले लो दरवाजा पर भी। आपको तुम लोग को पता है कि इतना डेंजरस एक अल्फा ज़ॉम्बी जो थिंक करता है जो हेलमेट लगा के घूम रहा है वो तुम्हारे पीछे है, तो अगर दिमाग देखा अल्फा ज़ॉम्बी का दिमाग देखा उसको पता है बुलेट अगर ब्रेक में आएगी तो मैं भी मर जाऊंगा, तो वो हेलमेट पहनने के सुनना हेलमेट पहना है चल आगे का कवर है पीछे से गोली मारो पीछे तो पूरा जैक स्नाइडर को मेल डालना पड़ेगा अभिराम। एग्जैक्टली भाई सच में अभी ये चीजें हम लोग मैंने तो एक्सपेक्ट नहीं किए थे, बट कुछ कुछ सीन जैसे आ जाते हैं। लाइक एक सीन है जिधर वो जो स्टार्टिंग वाली जो लड़की रहती है जो एक एक जॉम्बी को मार मार के सर्वाइव करती है, माउंटेन पकड़ा देता है उसको, बहुत आगे अच्छी रही है, उसको सर्वाइव करना चाहिए था बट वो बहुत नहीं दे रहा है। हाँ लाइक ये ठीक है भाई, अभी हर चला ठीक है तू पहुंच गई है उधर तक, बट यू नो द रीजन कि तू उधर क्यों अच्छी है, तो इसका नाम तो ले ले एटलीस्ट। नहीं वो तो है, और नहीं वो नाम कैसा लेगी, वो नाम कैसा लेगी, उसको थोड़ी ना पता था कि इसने मेरे साथ अनफेयर किया, उसको तो लगा था उसने लाइट से कम वो रूम में गई, लॉक किया वो डोर के वो साइड खड़ा है, तो एग्जैक्टली। और ऐसा भी नहीं कि वो कंफ्यूज नहीं था, उसको स्टार्टिंग से ही शक था, इसलिए तू आगे चल मैं पीछे चलूंगी बिकॉज आई कैन ट्रस्ट यू, तो वो सब हुआ। फिर वो उसके सामने गिरी और बाकी जो लोग थे लाइक देव बटिस्ता बाकी की उनको तो ऐसा कुछ देख रहे ही नहीं है कि वो है सारे इतना और इतने सारे जॉम्बीज थे, तो वो मतलब सब लोग में से 2-3 जन भी आके सबको मारते लगे। वो सही है एज अ टीम, वो इतना मुझे तो एकदम फर्स्ट टाइम एज अ टीम जब उसका जब वो तीन नहीं थी वो तीनों एक एक को मार दिए गए, तो आई थॉट कि अभी ये थोड़ा होने वाला है इसका वो बर्तन वगैरह गिरते हैं, तो आई थॉट वो एक्चुअली वो मरने वाला पॉइंट काम हो गया। हाँ एग्जैक्टली, तो वो मुझे लगा कि करना है, बट वो फिर भी एक एक को मारती है और वो डोर तक पहुंचती है तो आई थॉट कि नहीं अभी ये सर्वाइव करेगी, बट वो अनफॉर्चुनेटली वो डोर लॉक कर देता है, तो फिर से मुझे लगता है कि नहीं अब तो नहीं सर्वाइव, तो फिर वो काफी आ जाती है, तो मुझे लगता है करने वाली एग्जैक्टली जो नहीं चाहिए, बट उसको सामने उससे मार रहे और वो भी गो बोल रही है, बस ये नहीं बोल रही है मार्टिन ने उसे लॉक किया उसको चिल्ला के बोल दिया। हाँ तो फिर बहुत कुछ हो जाता ना उसका हेड कट था, वो मार्टिन को अपने छोड़ते ही नहीं बोले, तो वो तो था। नहीं और मैं क्या बोल रहा हूँ, सिर्फ 3 ज़ॉम्बीज़ ने मुश्किल से पकड़ा था, ये गोली मार सकता था, ये उसको दिख के रोया नहीं, और जो सिचुएशन से वो बाहर निकली और ये अकेला ही गोली मार रहा है, बाकी लोग ने भी मारा, फिर भी वो स्क्रीन में और कुछ शॉट उससे ऐसे थे भी स्क्रीन में, तो अभी वो लोग इसका जस्ट पूछा था कि वो कहाँ पे। हाँ वो पीछे आ रही थी, तो पूरे टीम उधर ही थी, और जैसे वो आती है और हार्डली दो सिचुएशन से वो बाहर निकली थी, इसमें 40-50 ज़ॉम्बीज़ सो रहे हैं और एक एक करके भाग रहे हैं, उसको नाइट कर रहे हैं, और जो सिचुएशन अब वो थी जो दो ज़ॉम्बी ने उसको पकड़ा है, इसको बाइक भी बहुत लेट किया। हाँ मेरा वही पॉइंट है, मेरे को सबसे बुरा बोलो पॉइंट क्या लगा कि ज़ॉम्बी मूवी डाला तो उसको ज़ॉम्बी के हंटिंग ज्यादा जैसे ज़ॉम्बी के 2 घंटे की मूवी में आधा घंटा सेटअप में गया, आधा घंटा स्टोरी में हाइस्ट में गया, इस लास्ट बीच में थोड़े ज़ॉम्बी एक्शन थे, फिर एंड में भी क्लाइमेक्स वाला ज़ॉम्बी वाला क्लाइमेक्स नहीं था अगर देखा जाए तो, मतलब समझा मेरा पॉइंट क्या, ज़ॉम्बी वाला क्लाइमेक्स की आ रहे नहीं हो रहा है लड़ने के लिए और बढ़ते आ रहे, इसमें बस 1 by 1 सब मरते गए, बट एक भी बार ज़ॉम्बी का क्राउड दिखा था, एक दो बार अल्फा वाले लोग आए नहीं लड़ने के लिए। एंड में कसीनो में लड़ाई हुई थी, वो भी बाकिस्तान ने मजाक में सबको मार दिया, मजाक जम मार रहा है टेबल पे, नदी का पार खेल रहा है, जो खेल वो लोग दिखा रहे थे। अब मेरे को एक चीज ने समझा, बाकी सबको पूछना है, अरे जब कसीनो से पैसे निकाले तो एक बंदे के ऊपर 4 बैग लटका दिए, ले भाई डिवाइड करो ना पैसा, एक जन तो कैरी करो ना, इसको ज्यादा इसको कम जानबूझ के कम। अरे नहीं ब्रो, किसी को बैग अरे बैग नहीं दिए थे किसको, बैग नहीं वो एक ही बंदे के आंख पे सब बैग डाल दिए थे उन लोग ने, जो वो भी मर गया था जिसने एंड में उसके ऊपर ग्रेनेड फोड़ा था। अरे वो तो एक्चुअली वो पैसा भूल गए थे, एंड में दोनों बोलते हैं व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट योर मनी, और फिर दोनों भाग के पीछे पैसा लेने को, क्योंकि ज़ॉम्बी अटैक करते तो वो पैनिक होके एक्चुअली पैसा भूल जाते हैं, फिर दोनों याद आता है, फिर वो देव बटिस्ता ने तो एक भी बैग कैरी नहीं किया था, वो लास्ट में वो हेलीकॉप्टर वाली को बोलता ही है, मेरे को चाहता था एक बार बटिस्टा बॉम्ब कोई तो ज़ॉम्बी को दे यार, मजा लगा। यश तेरा क्या पॉइंट है जो तेरे को अच्छा नहीं लगा? क्या अच्छा नहीं लगा? मतलब मोस्टली तो अच्छा ही था, बाकी तो तुम लोग ने बता दिया। मेरे को आज दो तीन है, दो तीन नहीं सॉरी एक तो है उसमें, दो तीन है जिसमें सुनना, जिसमें स्टार्टिंग में सीख है ना कि जो मतलब एक गन से 3-4 लोगों को एक टाइम पे मार सकता है वो, उसके साथ 2 लोग को लेकर आता है ना, एक लड़की को एक लड़के को, और वो सीन में दिखा है कि वो लड़का बोलता है कि वो मजाक कर रहा था, उसको जमेगा नहीं और वो भाग जाता है उधर से। तो वो सीन का मेरे को मतलब कुछ फायदा नहीं था ऐसा लगा कि वो नहीं रहता सीन तो भी कुछ इतना फर्क नहीं पड़ रहा, या तो उस सीन में वो अगर ऐसा ऐड करते तो ज्यादा अच्छा होता कि वो भागने वाला रहता है और फिर जिसमें सबको ऐसा ये किया ना हाइट के लिए वो उसको मार देता और फिर बोलता कि ये सीक्रेट चीज है किसी को पता नहीं चलना चाहिए, तो वो एक पता तो चलता कि हाँ भाई ये कॉन्सेप्ट बताने के लिए वो ऐसा कुछ दिखाया है। ये सिर्फ आया नहीं बहुत अच्छा लगा, कुछ फर्क नहीं पड़ा स्टोरी। एक स्टोरी आपको अच्छा कंप्लीट किया लाइक डेव बटिस्टा हमारा, बट वो एक स्टोरी अच्छा कि डेव बटिस्टा ने उसकी बेटी के संग उसकी माँ को मारा, तो वो गुस्से में थी ना कि मेरे सामने मेरी माँ को मारा, तो वही सिचुएशन उसके लाइफ में कि अभी उसके बाप ने काट लिया है तो उसको मारना ही पड़ेगा बाकी, बट उसका नहीं वो क्लियर कर दिया था, वो क्लियर कर दिया था, बट मैं बोला सिचुएशन उसको फील कराया कैरेक्टर वाइज कि अब उसको चांस लेना उसके डैड को खुद मानना है, तो वो सोची रही कि व्हाट माय डैड हैव गॉन थ्रू, जब उसके सिचुएशन आई रही कि उसको उसका कुछ फर्क था ही नहीं, वो बोली कि उसको समझ गई थी, उसको उसका इशू था ही नहीं। नहीं मैं अगर स्टोरी आर्क बोल रहा हूँ रे कि उसकी वो घूम के उसके ऊपर आया कि तो उसके डैड को मारना पड़ा, बट एंड में भी वैसा लगा कि वो बटिस्टा दूर से ज़ॉम्बी को मार रहा है और एंड में वो प्लेन में साला उसके सामने मुंह फिर के 2-3 शॉट मिस किया, कुछ तो तुम लोग एक कर सकते हो। अरे मेरे को एक चीज बताओ ना, वो जो बंदा एंड में जीता, मतलब जीता बोल रहा हूँ, जो एंड में सर्वाइव करता है, ठीक है देखो पता है उसके हाथ में बड़ा वाला कटर ब्लेड रहता है, वो इंडिवर क्यों नहीं यूज किया? लेके तो गया था ना, वो लेके गया था, लेकिन जब कटर ये लोग लेके गए थे ना डेविड बटिस्टा ये लोग लेके गए थे इसके बाद बट मेरे को सबको वही क्वेश्चन पूछना है कि अगर इफ वी हैव बीन टू द सेम सिचुएशन, अगर अपने साथ वो होता सिचुएशन और अपन पहले सर्वाइव करके आ चुके एंड अगर अपन सबको ऑफर मिलता कि कितना कितना मिला ना $200 मिलियन के लिए अगर वापस जाना है, लाना तो 200 है ना, लाना तो 250 अपने को, तो जाते थे तुम लोग? वो तो ऑम्बी अटैक से बच के वापस आए। मैं पहले देखता था मेरी टीम में कौन है, ऐसे गधे रहेंगे तो फिर नहीं, क्योंकि भाई जा रहे गधे जैसे हरकतें करके मर रहे, क्या बोलने का अगर ऐसे अनजान टीम पर अनजान लोगों को लेके जाना होगा तो नहीं, लेकिन अरे बाप रे, पहले घुसते ना पहले घुसते लोग लोग मांगेंगे तो नहीं, लोग मांगेंगे। अरे कोई हम लोग उसको दावत देते थे, ले लो तेरी कोई दावत। हाँ अगर वो बैकग्राउंड से, अगर तुम मिलिट्री बैकग्राउंड से है या फिर ऐसा कुछ तुझे आइडिया है वगैरह तो ठीक है। बट ये हमेशा टेम्पलेट फिक्स रहता है ना कि एक बंदे को गन आती है, एक बंदा लीडर, एक बंदा और एक बच्चा रहता है जिसको टेक्निकल नॉलेज रहती है, उसको गन चलाने नहीं आता है, साइंस है उसको गन चलाने नहीं आता है, बट उसको टेक्निकल नॉलेज है उसको, पर तो ले लिए ग्रुप में उसको मरते भी नहीं दिखाए ना, उसको मरते भी नहीं दिखाए थे ना, सेफ जो खुलता है उसको बस दरवाजा बंद होता है और सब बताए नहीं वो मारा कि नहीं दिखाया वो मारा, बट व्हाट अगर वो निकला तो अल्फा मर गया ना, न्यूक्लियर हो चुका है। गंदा सीन क्या है काटने का, अगर वो मतलब वो जो इसकी गर्लफ्रेंड है वो अगर वो गाड़ी में नहीं करती वो चीज तो वो बाहर आता ही है अल्फा। हाँ ना यार वो नहीं होता, मेरे को ये नहीं समझा। और तूने एक चीज देखा क्या, नोटिस करता है जो वो सिक्योरिटी गार्ड के साथ आता है वो बोलता है कि 200 करोड़ नहीं चाहिए मेरे बॉस को ये चाहिए, मेरे को वो समझा नहीं उसको क्या करता था। नहीं इससे अच्छा तुम लोग एक ऐसा हाइक प्लान करो, एक ऐसे लोगों को चूज करो जो सीधा वही प्लान बना देंगे ना। और एक लॉजिक ने समझा, अगर जाना ही पैसा लेने रोप डाल के मुंडी काट के बाहर लेके आता है उधर से अंदर जाने के लिए। हाँ उसको बाहर एग्जैक्टली बराबर सुन उसका मेरे को लगता है, क्योंकि देख जो मुंडी है उसका फाइनेंस जितना भी बिकेगा वो पैसा वो खुद रखेगा ना। तो अगर इस पर अंदर भेजने के लिए लालच देनी पड़ेगी कि अरे वो देखा है क्या जो इंडियन नहीं वो समझा। सुनो गाइस वो कॉन्टेक्स्ट बोलो कौन सा है, किसी ने वो इंडियन वेब सीरीज देखा था बेताल, उसमें क्या बोलता है कि उसमें जॉम्बी बोलता है ना कि तू मेरे साथ डील कर ले तो अपन कर सकते कि तेरी पावर रहेगी और मेरा गवर्नमेंट का। मेरे को लगता है शायद से वो क्या सोचा रहेगा कि 200 मिलियन से मतलब नहीं है, रानी का सारा आएगा तो मैं सारे जॉम्बी को कंट्रोल करके मैं पूरे यूएस पे ले सकता हूँ टेक ओवर। तो ठीक है बट बोलते वो हेड की प्राइस समझ, वो हेड की प्राइस 200 मिलियन से भी ज्यादा हो, सपोज 500 पकड़ ले, इसमें से इनका कट कितना था 50 मिलियन। 500 मिलियन अगर तू तेरा जो एम है वो है तो 50 मिलियन एक ऐसी टीम पर करना जो तुझे बस वो जानते कि ये निकाल के दे वो पैसे तो किसी जाना ही नहीं पड़ेगा। वही तो सैक्रिफाइस करो और पकड़ लो। हाँ अरे बोलो क्या करना चाहिए था जब हम जैसे फर्स्ट टाइम एंटर किए थे ना फर्स्ट टाइम, ठीक है। और जैसी वो आई थी रानी फर्स्ट टाइम वो भोग लेने के लिए जो इन्होंने सेक्रेट उसको उसी टाइम गन मार के लपेट के पकड़ लेते थे। दरवाजा तो पीछे था काट के लेके जाते उसको, तभी काट के लेके जाता। और तभी तो इतने जन थे कि कोई पीछे से आते भी ज्यादा जॉम्बी नहीं आते थे, कोई नहीं आता नहीं। मतलब मेरे को वो एंगल पूरा अजीब लगा कि इससे अच्छा कि पूरा एक सिनेरियो क्रिएट करने के लिए 200 मिलियन या फिर मैं भी तो फिर तुम लोग सबसे बेसिक चीज बोलूँ। तूने एंड में चीज नोटिस किया, न्यूक्लियर हॉलोकास्ट हुआ, सब जॉम्बीज मर गए, तिजोरी सेफ थी ना। अबे जो हॉलोकास्ट होने तक रुकते थे, जब सब मर जाते थे 6 जन जाते थे तिजोरी ढूंढने के लिए। जॉम्बी रिप्रोडक्शन कैसे कर सकता है वो तो अभी वो पूछना पड़ेगा। नहीं वो जो चीजें रखे है ना जो प्रीवियस का पॉन लीक करो, जॉम्बी पॉन आया नहीं अभी तक मार्केट में। नहीं बट वो बेबी वाला मेरे को अभी भी पहुंचने से शायद से जैक स्नाइडर को सोच के रखा रहेगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम 10 इयर्स में देखा कि जॉम्बी बेबी प्रोड्यूस कर रहे। अब मेरे को बोलो क्या लगा था कि रानी मर गई ना, मुझे लगा था नेक्स्ट रानी ना, मुझे लगा था हुमा को पकड़ेगा वो, बट वैसा कुछ हुआ नहीं। क्योंकि वो सेफ क्यों रखेगा वुमेन लोग को अलग से, 3 औरत लोग सेफ रखा था। और वो थोड़ा पीछे ना उस काइंड ऑफ थोड़ा इलॉजिकल था, क्योंकि जब उसने उसका पेट फाड़ा वो बेबी काइंड ऑफ 5-6 मंथ जितना तो वो हो गया 6 मंथ अलग सारे पकड़ सकता है यार, उतना तो सही हो। 5 ही नहीं 5 में पेट उतना रहता है। चल हाँ तो वही बोल रहा हूँ, तो पेट नहीं दिखा तो वो थोड़ा कॉन्सेप्ट ये हो गया, वो जस्ट वो आ रहेगा। फाइनल वर्डिक बोलो कैसे लगे सबको, लगे रेटिंग कैसा देगा तुम लोग? मेरे को भी कंटेंट में बहुत अच्छी बोला, मैंने खुद ने स्टोरी शेयर किया था। मेरे को सेकंड पार्ट भी आएगा तो मैं बड़ी होप से वापस देखने बैठ जाऊंगा। हाँ वो है, बट ऑन सीरियस मेरे को तो बहुत अच्छी लगी कि भाई क्लीशे थोड़ा कि वो घच्चे पिटे जॉम्बी देखने मजा नहीं आता, इससे थोड़ा यूनिक लेके आगे भाई लोग डॉच कर रहे हैं बट किस को ठीक है अच्छा ही है। बट मेरे को कॉन्सेप्ट भी अच्छा लगा कि मनी हाइस्ट और जॉम्बी मिक्स कर दिया। ऐसा जॉम्बी का ऐसा डॉग देख के तुम्हारे डरने लग जाए रियल लाइफ अभी। बट नहीं बट स्लो चलेंगे, आधा भारी चलेंगे। नहीं 2 जॉम्बीज है अल्फा जॉम्बीज भारी पड़ते। हाँ हाइबर रेटिंग वाले सारे स्लो जॉम्बीज बस तू ऐसे देखा जाएगा ना तो वो लोग प्रेयर करने के लिए तैयार है, मतलब उनको भी ऐसा नहीं है कि हमको वायलेंस ही चाहिए ऐसा। वैसे देखा जाए तो वो लोग पूरी पिक्चर वो एक ही जगह टर्न हुई, सब अपना चोरी करे थे वो दोनों अकेले बाहर आते रानी का सर लेने के लिए, वहाँ से पूरा गड़बड़ चालू। वरना तूने सैक्रिफाइस किया, वो लोग चले भी गए। तूने वो वाला शॉट देखा था जब वो स्टार्टिंग में जब एंटर करते सैक्रिफाइस करते रानी चले जाती है और वो ऊपर दूरबीन से देखता है अल्फा खड़ा रहता है वो लिबर्टी के ऊपर, कुछ नहीं करता है वो, देखता है इन लोग को कि हाँ चलो जाओ करो सॉरी जो करने के। और मेरे को ना लिली पे डाउट आता है, लिली हर टाइम वापिस आई है अंदर अंदर जाके, मेरे को लगता है ना हर टाइम तीन लोग को लेके जाती रहेगी और वो एक को सेक्रीफाइस करके आती रहेगी, ऐसा लगता है मेरे को। विदाउट सेक्रीफाइस तू आने से बोल देती ना। देखो वो जो ये है ना जो लाइट उड़ाती थी ना, मतलब जो पायलट दिखाई है ना उसका पूरा सीन अलग से शूट किया है, क्योंकि पहला वो कैरेक्टर के लिए एक्टर दूसरा था, फिर उसका कुछ इश्यू हुआ तो उसको मूवी से निकाल लिया, मतलब उसका कुछ पॉलिटिकल या कुछ तो हुआ था उसके वजह से, तो इसका अलग से पूरा ग्रीन स्क्रीन के साथ शूट किया और मूवी में वीएफएक्स के इससे डाला है। नहीं लगा चाहिए थोड़ा, मतलब हाँ वही किया। बट नहीं, बट ओवरऑल मूवी वॉचेबल है, ऐसा नहीं कि अपन सारे डिटेल्स में बात की है, बट ऑन एंटरटेनिंग पर्पज टाइम पास मूवी है। ज़ॉम्बी फ्लिक अगर जिसको देखना है, बस ये है कि ज़ॉम्बी सीन्स ज़्यादा रखने चाहिए थे बस, और कुछ ज़ॉम्बी सीन्स थोड़े, क्योंकि ज़ॉम्बी फिल्म देखने के लिए अपन गए थे ना, अब उतना सीन्स देखने नहीं मिला। बट क्या पता सेकेंड पार्ट में हाथ पार डाल दे वो भर भर के। आर्मी ऑफ द डेड से एक और मूवी आ रही है उसी स्टोरी पे, आर्मी ऑफ थीव्स करके, यही साल। उसका डायरेक्टर अपना जिसने वो तिजोरी खोला है ना वो एक्टर उसका डायरेक्टर है। और ये यूनिवर्स में क्या नहीं अलग है ये, इसमें ज़ॉम्बी वॉम्बी नहीं है, आर्मी ऑफ थीव्स ये वही, लेकिन इसमें मतलब हाइट पे है ये, और ये कॉमेडी कॉमेडी या फिर ड्रामा ऐसा कुछ है। बट नेटफ्लिक्स में थोड़ा, बट तेरे को पता है ये जो मूवी है आर्मी ऑफ द डेड ये भी वार्नर ब्रोस बनाने वाला था, बट उसने होल्ड पे डाला, नेटफ्लिक्स ने राइट्स खरीदा था। 2007 से डिले हुआ है, प्लान 2007 में था वो सीक्वल थी डाउन ऑफ द डेड के लिए। हाँ फिर उसका स्टोरी इतना चेंज हुआ इतने सालों में कि अब इसमें अलग से बनाने। बट नेटफ्लिक्स में फ्रीडम मस्त थी यार, ज़ैक स्नाइडर को, राइटर भी वही, डायरेक्टर भी वही है, सिनेमेटोग्राफर भी वही है, सब वही है पिक्चर में, डीओपी भी ज़ैक स्नाइडर ही है। और अच्छा लगा मेरे को वही, वन टाइम वॉच है। जितने ज़ॉम्बी मूवीज अपन देखे सब लोग ने, तो उस हिसाब से ये वन टाइम वॉच है, लाइक हाइपर में है। ठीक है, तो अभी सब लोग एक फाइनल रेटिंग बताओ 10 out of क्या है, सिर्फ 10 out of 1 सिर्फ रेटिंग 6.5। अभिराम ठीक है, यश 7, शुभम हाँ रेटिंग। रेटिंग है ना स्टोरी को, तो मैं एक कंसेप्ट जो है उसमें 8 रेटिंग का आराम से। ओके हर्षल 8, मेरा भी वही रहेगा 7। मतलब वीएफएक्स अच्छा था, शॉट्स अच्छे लिए, मेरा पिक्चर अच्छा था। उन्होंने क्या किया है, मैं उसका ब्रेकडाउन देख रहा था ना, उन्होंने वो वेगस सिटी क्रिएट किया इधर, तो ऑब्वियसली क्रिएट किया रहेगा ब्रो। हाँ जब उन्होंने क्या किया, रियल वेगस हम लोग वेगस गए, वो उन्होंने पूरा शूट किया, वो कैमरे से रेफरेंस पूरा लिए और एक्चुअल जो सिटी है वो उधर क्रिएट किया है। नहीं वो तो स्टूडियोज है ना, स्टूडियोज है उनके पास क्रिएट करने के लिए। बट जब भी वो एंट्रेंस है ना वो लोग का, जब भी अंदर जाते हैं और आजू बाजू डेड बॉडीज है, हाँ वो वीएफएक्स है और वो पता चल रहा है वीएफएक्स। हाँ और वो ना मुझे लगा भी था कि बाद में ऐसे बारिश वगैरह गिरेगी और वो लोग आए जिंदा होंगे वापस, बट वो शॉट भी आया नहीं। अरे मैं वही बोला ना, बहुत सारे ज़ॉम्बी सीन डाल सकते थे, 2 घंटे की मूवी रहते लोग 1 घंटा तो तमाशा रखना चाहिए था। उन्होंने जो रिवील किया कि चोरी भी फट से हो गई, पैसे भी जल्दी मिल गए, मरते भी गए सब लोग 1 by 1, और फिर एंड में ज़ॉम्बी का मेजर अटैक भी नहीं हुआ और फिर एंड में सब मर गए, बेटी बाहर आ गई जिसके वजह से कांड हुआ, वही लेके गई थी ना कि हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू करने जाते गीता को, उसके वजह से सब मरे और वो खुद बच के आ गई बाहर। मतलब उमा मेन कैरेक्टर था ऐसे देखा जाएगा तो, एक्चुअल में उमा कुरेशी का मेन कैरेक्टर था बट विजुअली मेन कैरेक्टर नहीं था, स्क्रिप्ट वाइज स्टोरी वाइज उमा कुरेशी का सबसे मेन कैरेक्टर उमा कुरेशी का ही है देखा जाए तो। लेकिन मेन कैरेक्टर तो क्रेजी। हाँ क्योंकि आज इंटरवल के बाद से फोकस हुमा पे चले जाता ना। हाँ पॉइंट ही नहीं रहता था, पर मेरे को अजीब लगा था। पैसे के लिए कहते कोई आया नहीं, पैसा भी नहीं मिला, सब ग्रीड के चक्कर में चले गए बस। और किसी को कुछ बोलना है आर्मी ऑफ द डेड के ऊपर? सारे पॉइंट डिस्कस कर लिए, कुछ कुछ मिस हुए रह गए अपने से। ये गाइस तो ये हमारा डिस्कशन था आर्मी ऑफ द डेड पे। और अगर आपको कोई और दूसरी मूवी जिसको हम लोग डिस्कस करें आप कमेंट डाउन कीजिए और बोलिए, तो हम उसके ऊपर अच्छे से पॉडकास्ट ऑफिस रिकॉर्ड करेंगे। सो साइनिंग ऑफ गाइस, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है गाइस, बाय, सी यू।